हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं हेल्प दोस्तों। आप लोग में से काफी लोगों को पता होगा कि एक स्पीकर से सिर्फ एक मोबाइल सिग्नल से आप स्पीकर को चला सकते हो, लेकिन आपको आज मैं इस वीडियो में दो फोन को सिर्फ एक स्पीकर में चला करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास एक एम्पलीफायर जिसे मैंने 1351 के ट्रांजिस्टर से बनाया है, और ये हमारे पास 35 वाट का स्पीकर है। और ये जो वायर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑक्स केबल का वायर है, जहाँ पर हम ऑक्स को लगा करके मोबाइल से किसी भी सॉन्ग को या वीडियो को हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो केबल आप देख रहे हो जैक, इसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बना करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जा करके देख सकते हो। और ये मेरे पास एक और वायर है फ्रेंड्स, जो ये ऑक्स केबल मैंने इसे भी बनाया था, दोनों को एक साथ मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों का जो वायर है फ्रेंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको एक साथ सोल्डर कर देना होगा। दोनों का जैक का पॉजिटिव एक साथ और दोनों का नेगेटिव एक साथ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे करके सोल्डर कर लेना होगा। आपको अगर यहाँ पर अगर आप सोल्डर नहीं करते हो तो आप यहाँ पर टेप की मदद से भी इसे पैक कर दोगे तो ये अच्छी तरह से ये वर्क करने लगेगा। अगर आप इसमें टेप नहीं लगाओगे तो जो ये वायर है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका मोबाइल और स्पीकर दोनों भी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का जो वायर है उसे मैंने एक साथ यहाँ पर लगा दिया है। अब जो ये दोनों वायर है फ्रेंड्स, इसे हमें लगा देना है जहाँ पर हमारा ऑक्स केबल का जो वायर होता है फ्रेंड्स, उसमें हमें लगाना होगा। अगर आपके पास एम्पलीफायर नहीं है फ्रेंड्स तो हमारे चैनल में जाकर के देखिए, काफ़ी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर एम्पलीफायर, क्योंकि मैंने काफ़ी बनाई है और सभी एम्पलीफायर जितनी भी है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है। जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टेप की मदद से इसे चिपका ले रहा हूँ। आप लोग इसे पूरी तरह से पैक कर लेना और फ्रेंड्स, आप इसे जब टेस्ट करोगे तो आपको भी इसे पता चल जाएगा कि जो इसकी वॉल्यूम है वो कितनी अच्छी है। और आप इसे एक साथ तो बजाओगे तो आपको सॉन्ग को पता नहीं चलेगा ये सॉन्ग आप कौन सा बजा रहे हो, क्योंकि आप दो मोबाइल से आप चलाओगे तो दोनों का जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा सॉन्ग अभी चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। तो आप उससे बढ़िया यही होगा कि आप एक एक करके दोनों को चलाइएगा। पहले आप वो वाला मोबाइल से चलाइएगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले फ़ोन से सॉन्ग को प्ले करके चला लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और आप सभी में से काफ़ी लोगों के साथ ये भी हुआ है, जब भी आप सॉन्ग को प्ले करते हो तो आपके जो भाई होते हैं या दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि अपने फ़ोन को हटाओ, अब मैं ऐड करूँगा, अपने मोबाइल को लगा करके बजाऊँगा। तो आप इसी तरह से अगर ऐड कर देते हो, जैक को डायरेक्ट लगा देते हो, दो या तीन अपने से जितना लगा सकते हो आप उतना लगा लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जैक को खोलोगे फिर लगाओगे तो आपको जो जैक का जो पिन होता है फ्रेंड्स वो भी ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जो ये हमारा एम्पलीफायर बॉक्स है इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, सभी को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्विच है फ्रेंड, ये हमारा छोटा स्पीकर को स्टार्ट करेगा। ये जो एलईडी है यह इसे मैंने कंट्रोलर से बनाया है, जिससे हम वॉल्यूम को जिस तरह कंट्रोल करते हैं उसी तरह से ये भी स्पीड धीरे धीरे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एलईडी है वो हमारा ये स्विच से चलेगा, बाकी जो हमारा जो एक स्विच बचता है फ्रेंड्स उससे हमारा ये स्पीकर चलेगा। तो मैं जल्दी इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, जो आपने ये एम्पलीफायर देखा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब मैं आपको सॉन्ग को चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे स्टार्ट कर दिया है, इसकी आप वॉल्यूम सुन सकते हो फ्रेंड्स। जब ये दोनों स्पीकर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम है वो आ रहा है। और आप लोग जब इसे खुद ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है। और आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग इसे ट्राई करोगे तो आपको बताना ये आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए मैं बस यही वीडियो लेकर के आया, आगे वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आपने देखा ये कितनी अच्छे से वर्क किया है फ्रेंड्स, दोनों स्पीकर मतलब एक स्पीकर को दोनों मोबाइल से चलाया जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और ऑन कर दीजिएगा। मैं मिल गया इस वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।